तक सुबह से चल रहा है लास्ट स्पीकर और मुझे लगता है सबसे थके हुए लोग मुझे मिले हैं आज, तो इस थकान को थोड़ा सा मिटाते हैं और मेरा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नहीं होगा, सोच कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेक्टिव हो पाए। मुझे जैसा पता चला है कि प्रोफाइल में ज़्यादातर लोग BSc के स्टूडेंट्स हैं, कुछ हमेशा नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं और कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज के साथ हम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा बढ़ रहे हैं, एक नए आइडिया के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कौन से चैलेंजेस हैं, कौन सी खास बातें हैं, जो कौन सी रुकावटें हैं जो हमारे सफर में आ सकती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक रोलर कोस्टर राइड, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी रुकावट आएगी, थकान होगी, लेकिन उससे उसे आप कैसे एंजॉय करते हैं, इट वुड बी एडवेंचरस। आपको अगर एडवेंचर में मजा आता है तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप मजा आएगा, ये एडवेंचर। तो कोशिश करते हैं इसको समझने के लिए, एक ग्रुप हम बना सकते हैं, पांच पांच स्टूडेंट्स के अंदर ग्रुप बन जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राइटिंग पैड सबके पास है, कोई एक ऐसा आ जाओ जिसके पास राइटिंग पैड हो, बैठो बैठो, जहां बैठे वही बैठ बैठे रहे, बस पांच पांच स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाएंगे। फाइव स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना, ये 1 2 3 4 हो रहे हो, एक और आ जाओ, हाँ ये पांच हो गए, और थोड़ा सा ऐसा रखिए कि कॉन्टैक्ट कर पाए, चेयर को थोड़ा सा चलिए। तो पहले 3 मिनट हमने दिए ये समझने के लिए कि हमारे पास ऐसा क्या है जो हमें एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर बनाता है। अगले तीन मिनट ये रियलाइज करने के लिए कि हमारी ऐसी कौन सी कमियां हैं जो हमें एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने में रोकती है, आपके पास ऐसी कौन सी कमी है जो आपको लगता है कि आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने से रोकती है, ये है। ऐसी कौन सी कमियां आपको लगती हैं अपने अंदर जो आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने से रोकती है, अपनी खूबियां सारी लिख चुके हैं, अपनी सारी खूबियां लिख चुके हैं, ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने से रोकती है। अगले 3 मिनट हम इस बात पर देखें, क्या ऐसा है जो आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाता है। आप ये भी रियलाइज कर चुके हैं कि आपके पास ऐसा क्या है जो आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने से रोकता है, और यहीं से एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ रियलाइजेशन। कुछ भी नया सोचने से पहले, किसी भी फील्ड में जाने से पहले, इज अ टाइम व्हेन यू आर डिसाइडिंग योर करियर, जब आप अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं, आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं, आपके पास सर्विस के तमाम ऑप्शंस हैं, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप के तमाम ऑप्शंस हैं, तो ऐसे में आप क्यों ये एंटरप्रेन्योरशिप को चुनेंगे, कितने सारे बने हुए फील्ड्स, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फील्ड्स हैं, उन सबको छोड़ते हुए आप क्यों एक अंधेरे कुएं में कूदना चाहते हैं, वो कहां है। तो जो डिजायर, जो ड्राइव है आपको धक्का देने के लिए, वो ड्राइव आपके अंदर। तो सेल्फ एनालिसिस जब तक आप नहीं करेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। सेंसिटाइजेशन होगा एंटरप्रेन्योरशिप का, आप उसमें भी आएंगे, प्लेसमेंट ड्राइव होगी, आप उसमें भी जाके बैठेंगे, इंटरव्यू देंगे, उसके बाद SSB, UPSC, ICRGRF और तमाम सारे एग्जामिनेशन में भी जाके बैठेंगे। तब वो झील कहां है एंटरप्रेन्योरशिप वाले, तब वो झील कहां है। अगर आप उसको सिर्फ एक करियर ऑप्शन की तरह देखते हैं, ये नहीं, सिर्फ एक करियर ऑप्शन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, इट डिमांड्स डेडिकेशन,
योर कन्विक्शन मोर देन एनी अदर किसी भी फील्ड में इतना डेडिकेशन इतना कन्विक्शन नहीं चाहिए। आपका सेल्फ विल एरिया तो हम बात कर रहे हैं कि क्या चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस कहां पर है। सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपके अंदर है, सबसे ज्यादा चुनौतियां आपके अंदर है। उन चुनौतियों को पहचानना और उससे आगे बढ़ना ये पहला स्टेप है आत्मविश्वास की तरफ बढ़ने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि और कैसे चैलेंजेस हैं, और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। अंदर से जीतेंगे तो बाहर आपको जो सब कुछ मिल रहा है उसमें तमाम चुनौतियां हैं, उन्हें कैसे आप डील करेंगे, उनके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्या मेंटरशिप है, कहाँ कहाँ पर आपके लिए सुविधाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उन्हें आप आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन जब तक आपके पास चैलेंजेस आपको नहीं है पता, तब तक आप एक अनजानी राह पर आगे नहीं बढ़ सकते। होते हैं लेकिन कैसे गैम्बलर्स नहीं होते, गैम्बलर्स नहीं होते, जुआ नहीं खेलते। किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि लेके हवा उड़ा गया। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क, हर स्टेप बहुत सोचा समझा स्टेप। तो अभी जो हमने एक्सरसाइज की उसमें से हर ग्रुप में कोई एक लीडर आ जाए और जो आपने ग्रुप किया है वो आप यहाँ पर आके पढ़ते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, भोले के लिए शुरू करते हैं, यहाँ से ठीक है और तो सबसे पहले खूबियों की बात करते हैं। कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। हम तो जान रहे हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए हमारे तो ऐसी क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए जो कि हमें एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने सर कह रहे थे पहला रिस्क टेकर, उसमें ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए कि हम कोई भी डिसीजन लें तो हम जो लें उसे सही कर सकें। जो मार्केट में ऑलरेडी चल रही है उसके अकॉर्डिंग से वो दूसरा दूसरा निर्णय करेंगे तो हम अलग क्या करेंगे। एक इनोवेटिव आइडिया के साथ हम आएंगे ताकि कुछ अलग सा मार्केट में दे सके जो कि सारे लोगों की नीड हो, उसके अकॉर्डिंग हो, उनके बजट के अकॉर्डिंग हो। इसे हम पता लगा सके कि आखिर हमारा जो प्रपोजल है वो मार्केट में कितना अच्छा काम करेगा। और सबसे पहला रहेगा कि प्रॉब्लम पहचान सके, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर सके कि हमारे सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है। आखिर प्रॉब्लम को जानने के तरीके पहचान पाएंगे कि हम किस प्रोडक्ट को लेंगे, क्या आइडिया हमारा रहेगा। विदाउट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हम क्या कर पाएंगे। सेकेंड रिस्क बेयर जो कि बता रहे थे सर भी और हमने भी कहा था कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होना चाहिए। जो किताब के अंदर है वो लिखा। और तीसरा जो मेरे अंदर है वो है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ताकि हम जो डिसीजन लें वैसा डिसीजन हो कि सभी के लिए सही हो और मेरे लिए भी सही हो, मुझे घाटे में ना लेकर दे जाए। चौथा एबिलिटी आइडिया। पांचवा लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी में ये हम देखेंगे कि हमने जो प्रपोज किया वो बाकियों को पसंद है या नहीं है, उनके खिलाफ तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हमने जो कह दिया रिटेलेट तो हाँ जो कह दिया तो कह दिया, बाकी हम जैसे कहीं 20 से 30 लोग हैं
ऐसा हमारा डिसीजन हो कि सभी को पसंद आ जाए। एग्जाम्पल जैसे कि सर अभी हम चाहें कि इस किशनगंज एरिया में ऐसा कुछ भेजें या ऐसा कुछ प्रोडक्ट लेकर आए, हाँ पसंद। जैसे कि अभी यहाँ पे चाय की खेती होती है तो इसका फायर प्रोडक्ट किसान में नहीं मिल पाता है, इसका प्लांट लगा दें तो हमारे हिसाब से सभी को पसंद आएगा कि हम यहीं पे हमारी उसकी खेती करें और यहीं पे उसकी फायर प्रोडक्ट तैयार कर दें। मार्केट वैल्यू उसका जो जितने मार्केट में खरीद रहे हैं वो तो सस्ता पड़ेगा, तो यही खेती करें, यही उसको फायर प्रोडक्ट तैयार करके हम बेचने लोगों में डिलीवर करवा दें। इसको बनने में रुकावट ये आएगी कि पहला से यहाँ ठंडी का प्रॉब्लम होगा। अपना पॉइंट बताओ, तुम लिखने पहला से वहाँ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। यदि एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आगे लोगों के कहाँ सब कुछ बराबर हो जाएगा। अच्छा दूसरा कि यदि जो हमारे पास ये जो प्लांट लगा रहे हैं इसका प्रोडक्ट देने के लिए उसमें भी होगा जैसे कि हमारा चलेगा नहीं चलेगा, यदि ये भी हम सही से ना दे पाए ये भी हमारे लिए एक बाधा काम आएगी। तीसरा सर हमें सब कुछ लगाने के साथ ये भी सोचना होगा कि हम यदि जो कह रहे हैं हमें इसे कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो भी रहा है नहीं होगा, क्या हमारा प्रॉफिट देने के साथ ही काम करेगा। और चौथा है सर कि कैरियर सिक्योरिटी, कैरियर सिक्योरिटी, तो कैरियर सिक्योरिटी जब तक हम नहीं सही से देख पाएंगे तब तक हमारा कोई भी बिजनेस करेंगे तो कुछ भी सेटअप नहीं होता है। और सर मेरे हिसाब से मेरे अंदर जो है कि हमें क्या रुके कि इसका लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ मार्केट नॉलेज। कुछ भी करने से पहले हमें मार्केट का नॉलेज पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या डिमांड है, क्या नहीं है, क्या हम देंगे क्या नहीं देंगे। जब तक हमारे पास मार्केट की नॉलेज नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू। इससे अलग दो पॉइंट्स होंगे, जो पॉइंट्स लेवल पे वो दिए उससे अलग जो पॉइंट्स हैं हमसे वो मैं तो जानता हूं। मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इनोवेटिवनेस है, मेरे पास एबिलिटी है कि मैं रिस्क को कैलकुलेट कर सकूं और कैलकुलेटेड रिस्क बेयर कर सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट का ठीक ठाक नॉलेज है जिससे मैं कोई नया एज एंटरप्रेन्योर अपने आप को मार्केट में सर्विस कर सकता हूं। मेरा ये भी मानना है कि जो भी मैं काम कर रहा हूं तो मैं फीडबैक के जरिए उसको इम्प्रूव करने का भी कोशिश करूँगा, तो मैं फीडबैक मैकेनिज्म को प्रमोट करता हूँ। उसके बाद मेरे अंदर थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं कोई रिजिड नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मैं चेंजेस के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। और एक जो मुझे जो कारण लगती है जो मुझे एंटरप्रेन्योर बनने से रोक सकती है वो है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी का इम्पैक्ट मेरे ऊपर है, जो सोसाइटी और दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें हम उस जगह पर पैदा हुए हैं जहाँ सरकारी नौकरी को सब कुछ माना जाता है, सरकारी नौकरी है तो सब कुछ है, तो ये वाला थिंकिंग कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन में भी होगी बनने से। थैंक यू। सर लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स बोल दिए, मैं उनमें ऐड करना चाहूँगा कुछ पॉइंट। उसमें एक पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो क्या करना चाहता है, उसका विजन क्या है, एम क्या है, क्या वो अचीव करना चाहता है, क्या वो सॉल्व करना चाहता है, क्लियर एकदम पूरा क्लियर कट करना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। दूसरा उसके अंदर फेलियर को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे फेलियर्स आते हैं और हमें हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीख मिलती है और वो हमें आगे और बढ़ने में मदद करती है। और एक और पॉइंट मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारे अंदर एक बच्चा जिंदा होना चाहिए, कि बहुत बार होता है कि हम कुछ आइडिया बनाते हैं लोग कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, तो एज ए चाइल्ड हम उसको एक्सेप्ट कर पाते नहीं, हम कर लेंगे, वो एक बिलीव होना चाहिए अपने अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप में एक चाइल्डिश क्वालिटी होनी चाहिए।
और बहुत सारे पॉइंट सर ने बोल दिए, मैंने 3 पॉइंट कुछ उसमें से एक्स्ट्रा बोला है जो हमें करने से रोकती है, एंटरप्रेन्योर बनने से रोकती है। उसमें एक दो पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि एक है लैक ऑफ स्किल, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, वो करना तो चाहते हैं बस बस क्वालिटी में, वो जब वो काम करते कितना पानी है कितना कर सकते हैं कितना किए। और एक और कंडीशन है कि फैमिली प्रेशर थोड़ा सा होता है, हर आदमी का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होता है, तो बहुत लोग होते हैं जिनको फैमिली कंडीशन होती है, उनको जॉब की तरफ जाना पड़ता है। थैंक यू सर। शॉर्ट में
और शॉर्ट में हमारे पास पूरा भी यदि आप मैं ब्रजेश कुमार एमएससी एग्रीकल्चर हूँ एग्रीकल्चर से हूँ मैं सबसे पहला जो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जो आता है वो सोशल स्टेटस का सोशल स्टेटस मीन्स कि हम यदि अच्छे पढ़े लिखे हैं तो समाज में हमारी तभी मानता है जब हम किसी अच्छे जॉब में पेमेंट में भी हमको बिजनेस से ज़्यादा आएगा लेकिन इस तरफ जाने के बाद सोशल हमें नहीं मिल पाता। इसका एक छोटा एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताता। मैं 2 साल पहले एज ए जोनल सेल्स मैनेजर था, 7 स्टेट का इंचार्ज था। जॉब छोड़ के मैं इसमें कूद गया। आज हमारी समाज में डिफरेंट नजरिया बहुत अंतर नहीं हुआ है लेकिन उसके एक कहावत है डर के आगे जीत है। यही चीज जिस दिन सक्सेस हो जाएगा नो डाउट जितने नजरिए थे वो बदल जाते हैं क्योंकि लोग दो को ही पसंद करता या तो आप सबसे ऊपर चले जाओ या आप कंटिन्यू स्ट्रगल करते दिखे। यदि आप कंटिन्यू स्ट्रगल करते दिख रहे हो तो समाज आपको कहेगा नहीं ये कुछ करना चाहो। एकदम ऊपर चले जाओ तब तो कोई बात ही नहीं है। और जॉब हमेशा जॉब रहो ठीक है। इसलिए हमारा मानना है कि आप किसी भी चीज पे जो आपका विजन है। दूसरी एक प्रॉब्लम है एज ए ह्यूमन कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट मीन्स हमें इतना पैसा मिल जाए खाना पीना रहना मजे से हो जाए उससे ज्यादा नहीं जाए। बिकॉज एज ए एंटरप्रेन्योर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको है आपके आने वाले पीढ़ी को नहीं है। हमेशा आपको डिस्टर्ब होगा और आने वाले 10 साल 20 साल तक आपको कंटिन्यू 24 घंटा वर्क करना पड़ेगा जबकि आपका बॉस कोई नहीं हो। तो जब भी आप एज एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपको कंटिन्यू वो चीज जरूर सोचना होगा कि नहीं हमें कुछ भी होगा हमको आगे बढ़ना और इससे बढ़िया एंटरप्रेन्योर का और कुछ भी नहीं होता। और एंटरप्रेन्योर जैसा कि सोच है सोच लाने का सबसे अच्छा तरीका आपका समाज है। समाज क्या है जहां प्रॉब्लम है उसी का सॉल्यूशन एंटरप्रेन्योर है। आपके समाज में जो चीज प्रॉब्लम है यदि आप उसका सॉल्यूशन लेके एक बिजनेस वे में आ गए तो वो आप एज ए एंटरप्रेन्योर आ जाए। क्योंकि सब बता रहे थे ना एंटरप्रेन्योर का दो ही है सोशल और इनकम कि नहीं। सोशल समाज का प्रॉब्लम है दूसरा क्या है आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन गए तो इनकम ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा तो आपसे बढ़िया एंटरप्रेन्योर कोई और हो नहीं सकता ठीक है। तीसरा चीज बहुत से हैं एंटरप्रेन्योर कहते हैं हम सक्सेस हो जाते हैं 90% जब मैं स्टार्ट किया था तो हमें डाटा मिला था 99.1% अनसक्सेस है। लेकिन वो अनसक्सेस की जब आप रीजन में जाएंगे तो 99% का एक ही कारण था उनका मोटिव था हमें गवर्नमेंट से पैसा लेके काम नहीं करना लेकिन गवर्नमेंट से पैसा लेना ठीक है। इससे अलग हटके जो ही आप सोचना शुरू करेंगे आपको समाज भी सपोर्ट करेगा और आज के डेट में जो आप ये सुविधा देख रहे हैं क्योंकि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक मिनिमम पूंजी की ही जरूरत है। वो पूंजी यदि आपके टेक्नोलॉजी आपके सोच और आपके विकास के लिए मिल जाता है तो उसके बाद फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो एक चीज जो ब्रजेश जी ने इस पूरे अपने बात में कही कि एंटरप्रेन्योरशिप एक सोच है। वो सोच अगर आपके पास है तो दुनिया की कोई भी चुनौती
आपके लिए पार्क निर्णायक है, आप आराम से उससे भागे निकल सकते हैं। तो अभी तक जो बातें हो रही थी उसमें हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स क्या हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप करने से रोकते हैं या उसकी तरफ हमें पुश करते हैं। उन्हें एक हमने बहुत आसानी से समझा एक छोटे से गेम के साथ, छोटी सी एक्टिविटी के साथ। ये भी जरूरी नहीं है कि आज जो 40 बच्चे यहाँ बैठे हैं कल वो सारे के सारे जाकर एंटरप्रेन्योर्स बन जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ना तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है और ना इस तरह का सोशल स्ट्रक्चर हमारे पास है जो सबको कहे कि सब आगे जाए और सब एंटरप्रेन्योर्स बने। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन इस बिहेवियरल एस्पेक्ट से थोड़ा सा अलग है। ये चुनौतियाँ जो हमारे अंदर की चुनौतियाँ हैं उनसे हमें खुद निपटना है, उससे निपटने के क्या रास्ते हो सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चुनौतियाँ हमारा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जो पूरी दुनिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जिसमें पिछले 20-30 साल से ये एंटरप्रेन्योरशिप एकदम बढ़ने लगा, बूस्ट होने लगा और इस देश में आते आते उसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 दशक या 15 साल। तो इस 1-1.5 दशक में जो बातें बढ़ी वो क्या हुआ, क्या ऐसा हमने किया जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप आज हम हमारे कोर्स का एक क्रिटिकल कंटेंट बन गया। पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ पुश करें, उन्हें मोटिवेट करें या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोटिवेट। ऐसा क्या हुआ, क्या बदला इस पूरे समाज में? तो ये बदला पूरी दुनिया का बदलाव है जो धीरे 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 एशिया और उसके जो दूसरे देश है वहां पर। तो एक बार प्रेजेंटेशन मेरा बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन है, बीच बीच में बातचीत करते जाएंगे। बिल्कुल, बिना फंडिंग के कैसे करेंगे बिजनेस बनाने के लिए ना फंडिंग चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सोच चाहिए ना। और मतलब ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि लाइक एंटरप्रेन्योर बनना है तो बिजनेस या टेक ये सब दे सकते हैं, बट स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप लेने के लिए फंडिंग जरूरी है। आइडिया जब तक कमर्शियलाइज नहीं होगा आप एंटरप्रेन्योर, तो वो आइडियाज जो है वो छोटे से अमाउंट में वैल्यू नहीं हो सकते हैं। कई लोगों के पास ऐसे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आइडियाज हैं लेकिन कमर्शियलाइज करने का रास्ता नहीं है उनके पास, कमर्शियलाइज करने का जरिया नहीं है। सिर्फ आइडिया के साथ, सिर्फ आइडिया अगर आपके पास है सोचने के लिए पैसा लगेगा क्या? नहीं, आइडिया आपके पास है तो मुझे लगता है कि सिर्फ आइडिया होने से आप एंटरप्रेन्योर हैं। एक अभी स्टूडेंट ने बोला कि ना एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कैंडिडेट फंडिंग लाइक पैसा नहीं है। लेकिन अगर मैं अगर एक छोटे एंटरप्राइज को अगर उसको बेचने में भी हेल्प करता हूँ तो भी मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है सिर्फ वही सबसे बड़ी चुनौती है, उसके बाद की जो चुनौतियाँ हैं वो आप दूसरे तरीके सारे जरिए हैं जिनसे आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। नहीं, तो फंडिंग की चुनौती है, ऐसे कई लोग हैं जिनके पास आइडियाज हैं लेकिन फंडिंग का रास्ता उन्हें नहीं पता, जरिया नहीं पता, हम उसी पर आगे डिस्कस कर रहे हैं। वो कह रहा हूँ सर, जितने जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं कई लोगों ने बहुत अच्छा बात करा है, वो हमेशा बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फंडिंग को हम लोग ये मान के चलेंगे फंडिंग नहीं आएगा तो हम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, हमारे पास 61,400 स्टार्टअप्स थे ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग ऑल दी सेक्टर्स, आईटी सेक्टर भी है, सर्विस सेक्टर भी है और कई सारे सेक्टर्स को मिलाकर ये जितने स्टार्टअप हमारे पास है। 2021-22 के अंदर हमारे पास 14,000 स्टार्टअप एस्टेब्लिश हुए सिर्फ एक साल के अंदर। ये चेंजिंग एनवायरनमेंट है जो शो करता है चीजें बदल रही हैं। इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है आफ्टर यूएसए और चाइना। यूएसए चाइना के बाद हमारे पास पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए हमारे स्टार्टअप्स के लिए, वो सबसे अच्छा इकोसिस्टम हमारे पास एस्टेब्लिश हुआ है। और इस ईयर 2021 में हमारे 44 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव किया। यूनिकॉर्न स्टेटस क्या है? ऐसी कंपनीज जो जिनका इवैल्यूएशन $1 बिलियन से या उससे ज्यादा है।
44 स्टार्टअप उस कैटेगरी को अचीव कर पाए 2021। तो दिस शो अच्छा एक यहाँ पर कंपैरिजन देख सकते हैं, इन 2016-17 सिर्फ 36 स्टार्टअप एस्टेब्लिश हुए थे और 5 साल बाद 22 में हम देखते हैं कि 40,000 स्टार्टअप एस्टेब्लिश हो रहे हैं। ये शो करता है कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इकोसिस्टम फेवरेबल बन रहा है। जो लॉजिस्टिक्स एग्जिस्ट नहीं करते थे वो लॉजिस्टिक्स क्रिएट किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। बात करते हैं एग्री स्टार्टअप्स की, वी हैव 100 एग्री स्टार्टअप्स एंड प्लस 800 प्लस फूड एंड बेवरेजेस स्टार्टअप्स। इन्वेस्टमेंट बहुत कम है ओवरऑल, जो 100% इन्वेस्टमेंट हमारा गया स्टार्टअप की तरफ उसमें से सिर्फ 5% इन्वेस्टमेंट एग्री स्टार्टअप की तरफ है। ये बड़ा चैलेंज है एग्री स्टार्टअप्स के लिए कि जो प्राइवेट फंडिंग है वो प्राइवेट फंडिंग एग्री स्टार्टअप्स के लिए बहुत कम है, वो उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। कर्नाटक और महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के सेक्टर में, एग्री स्टार्टअप के स्पेसिफिकली 50% ऑफ एग्री स्टार्टअप एस्टैब्लिश इन दीस टू स्टेट्स। स्टार्टअप इंडिया ये एक मूवमेंट था जिसने इसको पुश किया सिस्टम को। आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्री स्टार्टअप कितने कैटेगरीज के अलग अलग एग्री स्टार्टअप्स हमारे पास है। 28% ऑफ एग्री स्टार्टअप फोकस इन प्रोडक्शन, 30% इन फूड प्रोसेसिंग, 30% इन डिस्ट्रीब्यूशन, 30% इन मार्केटिंग, 40% इन डिटेल, 6% इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, 30% इन अदर सेक्टर्स लाइक फिशरीज और अदर। दिस इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इज ऐसा वातावरण जो हमारे जो किसी भी स्टार्टअप के लिए फेवरेबल होता है। जब तक वो इकोसिस्टम आपके पास नहीं है, एनवायरनमेंट आपके पास नहीं है, आप अच्छी ग्रोथ की कामना नहीं कर सकते, अच्छे इमेजिन नहीं कर सकते कि आपका जो स्टार्टअप है वो अच्छा ग्रोथ करेगा। उस इकोसिस्टम के बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, जहाँ पर है एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस वहाँ पर है, कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स वहाँ पर है, जो बात कर रहे हैं लगातार कि सोशल नॉर्म्स किस तरह जिस तरह से बदल रहे हैं वैसे वो हमारा इकोसिस्टम फेवरेबल हो रहा है। एंटरप्रेन्योर ऑफ फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग के लिए भी तमाम सारे प्रोविजन क्रिएट किए गए हैं। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, लीगल एंड कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन, एजुकेशन में ऑलरेडी वो पार्ट हो चुका है, हर प्रोफेशनल कोर्स का पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, एंड मार्केट ओपननेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रांसफर, ये कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं जो एक इकोसिस्टम को बिल्ड करते हैं, उसको फेवरेबल बनाते हैं। इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंक्लूसिव पॉलिसी, इजी एक्सेस टू द फाइनेंस, इजी एक्सेस टू क्रेडिट, फास्टर डेटा पेनिट्रेशन, फास्टर डेटा पेनिट्रेशन पॉसिबल हुआ थ्रू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ नेटवर्क यूजर्स, जिस तरह से ब्रॉडबैंड नेटवर्क और जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है वो जैसे जैसे रूरल एरियाज की तरफ हमारा पेनिट्रेट कर रहा है वैसे वैसे हमारा जो डेटा पेनिट्रेशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और आज हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल है दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर, देश के किसी भी कोने में बैठकर, तो उससे हमें मदद मिल रही है। और गवर्नमेंट फंडिंग की तरफ भी गवर्नमेंट का जो रुझान है वो बढ़ा है तो वो हमें सपोर्ट करता है। दीज आर ऑल द चैलेंजेस इन एग्री स्टार्टअप जो हम बात कर भी रहे थे। That this sector is highly fragmented and location specific. जो भी हमें प्रॉब्लम्स हैं एग्री स्टार्टअप के केस में वो हाईली फ्रेगमेंटेड है, हर छोटे छोटे लोकेशन के अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, अलग प्रॉब्लम हो सकती है, और फ्रेगमेंटेड है, पीसेस में डिवाइडेड है, लोकेशन स्पेसिफिक है। हार्नेसिंग द ग्रोथ एंड मेक इट सस्टेनेबल, हम खुद अभी लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे एग्रीकल्चर को सस्टेन किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होगा, अभी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग किया गया है, या जो कन्वेंशनल फार्मिंग हम करते आ रहे थे वो होगा, प्रोडक्शन भी सस्टेन करना है, तो ये एक चैलेंज है कि इस एग्रीकल्चर की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए किस तरह से स्टार्टअप्स काम कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक बड़ा चैलेंज है, खासकर जो रूरल एरिया से लोग आते हैं बताते हैं उनके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करने के लिए जो अवेयरनेस है वो कम है, उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। लो इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट फंड्स, जितना पहले डिस्कस कर चुके थे कि प्राइवेट फंडिंग जो है वो नहीं आ रही है। अभी क्या देखेंगे तो सोनी टीवी पर एक शो शुरू हुआ है
शार्क है, आप सबने देखा, उसमें आप देखेंगे कितने इनोवेशंस थे जो एग्रीकल्चर को लेकर आए, एग्रीकल्चर फील्ड से आए, और उसमें से कितने परसेंट लोगों को वो फंडिंग मिली। बहुत बहुत कम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे जिनको उसमें फंडिंग के लिए सिलेक्ट किया गया। तो ये बड़ा चैलेंज है, प्राइवेट फंडिंग नहीं है। हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं, ACAPC स्कीम काम कर रहा है, गवर्नमेंट के जो दूसरे स्कीम्स हैं वो काम कर रहे हैं फंडिंग के लिए, लेकिन जो प्राइवेट फंडिंग, जब तक इनको नहीं बढ़ेगा प्राइवेट फंडिंग का, तब तक हम इस चैलेंज को कम नहीं कर पाएंगे। मेंटरिंग और मार्केट कंडीशन, मार्केट एक्सेस फैसिलिटीज की बहुत कमी है कि मार्केट एनालिसिस हम नहीं कर पाते सही से, मार्केट के एक्सेस हमारे पास नहीं है, वो एक टास्क है। और टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। बात अगर करते हैं रूरल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स की, तो वहां पर कुछ अपने चैलेंजेस हैं। रूरल स्टार्टअप इकोसिस्टम के चैलेंजेस हैं बैंकेबल एंटरप्रेन्योर्स, कई सारे हमारे पास आइडियाज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो बैंकेबल नहीं है, बैंक एग्री नहीं करते कि हम उस पर आपको फंड दें, तो उनको कैसे बैंकेबल बनाया जाए, ये एक चैलेंज है। स्केल अप चैलेंज है, उसको कैसे आप एक स्टेज आपने ले लिया, इनिशियल लेवल पर आपने स्टार्ट किया, आप उसको कैसे स्केल अप किया जाए, वहाँ पर अपने चैलेंजेस हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स की हमारे पास बहुत कमी है, इतने बड़े देश में, इतने बड़ी जनसंख्या जहाँ पर रूरल एरियाज में है, वहाँ पर रूरल एरियाज के लिए स्पेसिफिक इंक्यूबेशन सेंटर्स हमारे पास बहुत कम है। और लेको वेंचर कैपिटल फंड्स, वेंचर कैपिटल्स हमारे पास नहीं है। These are some of the challenges agri entrepreneurs face, like cash flow management, time management, hiring employees, choosing the product, delegation of tasks. So cash flow management क्या है? It's a process जिसमें आप पैसे का enterprise में आना और बाहर जाना, इसको आप manage करते हैं। आपको working capital की जरूरत है हर time, आपके पास employees है, आपको raw material की जरूरत है, तो आपको उसके लिए भी capital चाहिए, तो किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं, ये बड़ा इशू है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि एग्री स्टार्टअप सीजनल बेस्ड है, अगर आप कोई भी क्रॉप लेते हैं, कोई एक एंटिटी लेते हैं, हर चीज़ सीजनल बेस्ड है, तो ऐसे चैलेंजेस, ऐसे एंटरप्राइज में ये चैलेंज और बढ़ जाता है कि आप कैसे कैश फ्लो को पूरे साल के लिए मैनेज करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत कॉन्शियस होना जरूरी है हमारे लिए। हायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज, फाइंडिंग एवेल्युएटिंग एंड सर्विसिंग अ वर्कशॉप रिलेशन, वर्किंग रिलेशनशिप विद फ्यूचर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को आप कैसे कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे पार्ट में ऐसा हो सकता है कि आपके पास टेक्निकल कॉम्पिटेंसी नहीं है, या जिस तरह के डिपार्टमेंटेशन एक एंटरप्राइज में होते हैं, हर डिपार्टमेंट को आप कवर अप नहीं कर सकते, तो हर डिपार्टमेंट के लिए आपको एम्प्लॉइज चाहिए, और जितने स्किल्ड एम्प्लॉइज आपको मिलेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एंटी स्टार्टअप के केस में ये एक बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास मैनेजमेंट के लिए अच्छे एम्प्लॉइज नहीं मिलते, इसके वर्कर्स में बहुत कम इम्पॉर्टेंट है। चूजिंग द प्रोडक्ट सर्विसेज, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंटी स्टार्टअप के केस में, कि आप कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी सर्विस को सेलेक्ट करते हैं अपने एंटरप्राइज के। अभी जो बच्चों ने एक प्रेजेंटेशन दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्शन भी था, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी था, पैकेजिंग भी था, ये सब कुछ हम अगर करेंगे तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरी है हम कितना नैरो डाउन कर सकते हैं एक आइडिया को, एक बार में एक तरह का वैल्यू चेन, एक बार में एक तरह का सप्लाई चेन, बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, कोई भी एक आप चुनेंगे और एक को स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको मदद मिलेगी। आप चाहेंगे कि हम बिजनेस टू बिजनेस भी करेंगे, रिटेलिंग में भी जाएंगे, डोर टू डोर भी सप्लाई करेंगे, तो ये सब कुछ बड़ा हॉटपॉट हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिसको हैंडल करना आपके लिए मुश्किल। तो आप प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड कंज्यूमर क्या होगा उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ज्योग्राफिकली क्या इंपॉर्टेंट है वहाँ से आप कर सकते हैं, और स्पेसिफिक सप्लाई चेन अपने एंटरप्राइज के लिए पोस्ट कर सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ टास्क,
ये मैनेजमेंट स्किल्स हैं जो जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं टू योर बेटर। इसके अलावा कई सारे सोशल चेंजेस भी हैं, कुछ हमने अभी डिस्कस भी किए, लाइक आप स्टीरियोटाइप फील करेंगे एज स्टीरियोटाइप। यहाँ पर किसने कहा था कि हम बच्चे हैं, तो बच्चे समझ के कई बार आपसे कहा आपको सीरियसली नहीं लिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा अरे छोड़ो यार क्या आइडिया लेकर आते हो बेकार के, कुछ अच्छा सोचो कुछ मैच्योर सोचो, है ना। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसको हैंडल करना आपका बिहेवियरल आस्पेक्ट, तो बिहेवियरली आपको इतना मैच्योर होना पड़ेगा, इतना प्रोफेशनल बिहेव करना होगा कि लोग आपको सीरियसली। ये कब होगा, जब आप अपने आइडिया के बारे में खुद अच्छे से कन्विंस हो, तो ये हो सकता है प्रोफेशनली बिहेव करें। क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा, फेल हो जाओगे, ये खराब हो जाएगा, ये रिपीटेड फेल हो गए तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, कई सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो उस क्रिटिसिज्म को आप कैसे डील करते हैं ये आपके पास होना चाहिए, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आप डिप्रेशन में जाएंगे, आपको कभी फ्रस्ट्रेशन होगा, इरिटेशन होगा, बहुत सारे इश्यूज होंगे, तो उस वक्त अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इस बिहेवियरल एस्पेक्ट से बिहेवियरल चैलेंज से कोप अप नहीं कर पाएंगे। सोशल रिजेक्शन भी हो सकता है, 9 to 5 की जॉब नहीं है, 8 घंटे की जॉब नहीं है, आपको 24 घंटे काम करना है, 24 घंटे काम करेंगे तो दोस्तों के लिए टाइम नहीं होगा, परिवार के लिए टाइम नहीं होगा, तो क्या होगा, कुछ दिन आप रिजेक्ट करेंगे, अगले बार वो रिजेक्ट कर रहेंगे कि आने की जरूरत ही नहीं है, इसे मत बुलाओ शादी में, इसे मत बुलाओ पार्टी में, तो ये सोशलाइजेशन आपको आपको झेलना है। क्या करेंगे, अपना एक नेटवर्क बनाइए, जो लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप है उसके साथ चेक करिए, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ चेक करिए, उनके साथ अपने आइडिया शेयर करिए, और जो कुछ पॉजिटिव हो सकता है वो चारों तरफ से लेने की कोशिश करिए। तो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम हम समझ रहे थे, वो स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे इंप्रूव हो रहा है, उसके प्लेयर्स कौन है, तो दीज आर सम ऑफ द इनेबलर्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। आरके वी वाई रत्ता, अंदर आगे रत्ता, वी हैव 29 एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स, आपका जो सब एग्रेस है इट इज वन ऑफ देम, ऐसे 29 एग्रीबिजनेस इनक्यूबेशन सिस्टम हमारे पास है जो 5 से 25 लाख तक की ग्रांट एंड देते हैं on the basis of different stages of your enterprise. इसके अलावा हमारे पास DST के अपने incubation centers हैं, DST के incubation centers हैं, DBT के incubation centers हैं, और भी कई सारे IIMs के अपने incubation centers हैं। तो एक network है incubation centers का, अगर आपके पास idea है आप approach वहाँ कर सकते हैं। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स के बनने से ये इकोसिस्टम बड़ा स्मूथ हुआ है, बहुत फेवरेबल हुआ है, खासकर जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने अभी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो वहाँ से बड़ा है। जो मैक्रो इकोनॉमी है, पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, वो पॉलिसीज चेंज हो रही है, उन पॉलिसीज के चेंज होने से एनवायरमेंट चेंज हुआ है, इकोसिस्टम आपका फेवरेबल हुआ है। प्रोसेसिंग और एक्सपोर्टिंग पर ज़्यादा ध्यान है, तो वहाँ से पॉलिसी बदल रही है, वहाँ से आपको चेंज हुआ है, और एक कल्चरल शिफ्ट हुआ है जिसकी हम बात कर रहे थे कि पिछले 15 साल में एक कल्चरल शिफ्ट हुआ है। आज ज़्यादातर लोग ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि अगर आप अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना एक एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हैं। दीज आर सम ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपको सपोर्ट कर सकती है, जो इस इकोसिस्टम का पार्ट है, स्टैंड अप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, एग्रीबिजनेस, एग्रीक्लिनिक्स, ये तब से है जब से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात भी नहीं हुआ करती थी, तब से मैनेज ACABC के थ्रू स्मॉल एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए फंडिंग कर रहा है, ट्रेनिंग का काम कर रहा है, मेंटरिंग का काम कर रहा है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, मुद्रा इनिशिएटिव है, और इसके अलावा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की भी स्कीम है जो तमाम सारे जो एग्री स्टार्टअप के लिए हमारे के लिए मदद कर सकता है। यही एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था मेरा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस विवेकानंद की सूची के साथ हम खत्म करते हैं। राइज अवे एंड स्टॉप नॉट इन द गोल इन द रीच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो एहतियात है इसको बनाए रखिए।
इस एंथुसियास्म की जरूरत है इस सारी चीज को समझने के लिए। जो आपका सवाल था कि फंडिंग कहाँ पर बैरियर है, उसी की हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर इकोसिस्टम वो आपके पास नहीं है, आपको कम पैसे में बिना पैसे में आप जुगाड़ कैसे करते हो, दैट एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप जुगाड़ू हो तो आप कुछ भी कर लो। एक्चुअली हम लोगों का जो स्टार्टअप है हमारा स्टार्टअप वो आपसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। तो एक्चुअली हम आज रोजा भी है और हमारे कैमरामैन साथ जाने वाले हैं। हम डिस्कशन को आप जो पॉइंट्स हैं देखने के डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा रिजल्ट हो रहा है। इनसे जो क्वेश्चन है जो डिबेट है आप कल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट से क्वेश्चन है तो आप बाकी थॉट में देखिए डिस्कस करने के लिए। हेलो भाई, आपने बातचीत करी करती है और वही थॉट प्रोसेस है जो आपको अंतर्दृष्टि की तरफ लेकर जाती है। थॉट्स है जो आपको अंतर्दृष्टि की तरफ पुश करते हैं। बनने के लिए आपके पास कुछ इधर